हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग बंडल्स दिखाने वाला हूं जो कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में नहीं दिखाए थे। साथ ही साथ OB27 अपडेट के दोनों इंक्यूबेटर दिखाने वाला हूं। एक गन वाला इंक्यूबेटर होगा और एक बंडल वाला इंक्यूबेटर होगा। तो यह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा है, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि OB27 के अपडेट में एलाइट पास के अंदर जो जो आइटम्स आने वाले हैं वो सब मुझे पता चल चुके हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने में कि क्या क्या आइटम्स आने वाले हैं, मतलब वीडियो नहीं है जैसे एलाइट पास की वीडियो नॉर्मली मिलती है, बट आइटम्स की फोटोज है, तो मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा सकता हूं कि एलाइट पास में क्या क्या आने वाला है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबल कमेंट मिले तो मैं डेफिनेटली एक यार नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ की बनाऊंगा। खैर, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो यार बंडल्स से शुरू करते हैं कि क्या क्या बंडल्स और आएंगे अपने OB27 अपडेट में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करी तो डेफिनेटली चेकआउट करना गाइस, बहुत ही ओपी बंडल आ रहे हैं। सो गाइस, दो ये बंडल आने वाले हैं। आई थिंक जो समर थीम पे होने वाले ये बंडल, लास्ट ईयर भी आए थे ऐसे समर थीम पर इसी कुछ टाइप के बंडल, और फिर से हमें न्यू थीम पे देखने को मिलने वाले हैं गाइस। और ये दोनों बंडल भी बहुत ही अच्छे लगे मुझे। मेल बंडल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सेम, क्योंकि उसका टैटू वाला टॉप है जिसकी वजह से बहुत ही कूल लग रहा है वो, और ऐसे टैटू वाले टॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी ओवरऑल यार कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। सेम गोस फीमेल बंडल, यार फीमेल बंडल भी कोई बुरा नहीं है, फीमेल बंडल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जैकेट टाइप का जो लुक आ रहा है ना, बहुत ही कूल लग रहा है मुझे फीमेल बंडल। और कलर कॉम्बिनेशन तो यार एकदम कलरफुल बना के रखा है इसको, रेनबो टाइप का, तो यार अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा कूल लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यार ये भी हमारे समर थीम पर आ रहा है, तो होपफुली कि पहले ही मंथ में हमें, मतलब जैसे अपडेट आ जाएगा ना, उसके फर्स्ट मंथ में हमें ये बंडल देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, सेम इसी कलरफुल दो और बंडल देखने को मिलने वाला है। और गाइस, इसमें भी मेल का जो टैटू वाला टॉप है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और देख सकते हो आप लोग, ये भी थोड़ा सा कलरफुल स्क्रीन पे ही है और दोनों बंडल मुझे बहुत कूल लग रहे हैं। ये भी फीमेल और मेल दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और आई डोंट नो ये भी समर थीम पर है या कुछ और थीम पर है, मुझे कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि किसी कोलैबोरेशन से भी रिलेटेड हो, क्योंकि गाइस बहुत सारे कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाले हैं हमें इन फ्यूचर। अमोंग अस जो गेम है ना, उससे भी रिलेटेड एक कोलैबोरेशन आने वाला है। तो यार बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट ओबी अपडेट में। बाकी ये बंडल मुझे बहुत ही कूल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यार जितने भी बंडल दिखा रहा हूँ ना, वो सारे डायमंड में आएंगे, मतलब किसी ना किसी वेब इवेंट में ही आएंगे। ऐसे नॉर्मली किसी भी, मतलब डायमंड रॉयल वाला जो बंडल है ना, वो मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ, तो यार वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो ये सब हमारे डायमंड वाले बंडल होंगे जो कि हमें किसी स्पेशल इवेंट में ही देखने को मिलेंगे, और इनके लिए हमें ढेर सारे डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। और अब नेक्स्ट बंडल की बात करें तो गाइस देख सकते हो ये व्हाइट वाले बंडल, ये बंडल मतलब एकदम बेस्ट तो नहीं लगे मुझे, बट गाइस रियलिस्टिक है। हो सकता है किसी थीम पे बेस्ड हो सकता है किसी रियल पर्सन पे बेस्ड हो, किसी रियल पर्सनालिटी पे बेस्ड हो, कोई गारंटी नहीं है। पर यार ओवरऑल जो रियलिस्टिक लुक है इनका, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये बंडल। और फीमेल मेल दोनों सेम ही थीम पर है ऑब्वियसली, देख सकते हो आप लोग, और ओवरऑल लुक एक नंबर है, ठीक है। अगर हम गेम वाइज बात करें तो इतना अच्छा नहीं लग रहे होंगे कुछ लोगों को, बट यार ये एकदम रियलिटी लुक दिया, इनको रियल लुक दिया, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो आपके कपड़ों में से आग वाग तो नहीं निकलती ना, कि निकलती है भाई साहब, चेक कर लेना। एंड गाइस ये दो और बंडल है, एंड गाइस इनका मतलब मुझे एकदम क्लियर फोटो नहीं मिल पाया दूसरों के मुकाबले, पर यार ये भी बंडल बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका भी वही टैटू वाला टॉप है और मुझे बहुत पसंद है। और ओवरऑल यार मुझे लग रहा है कि यार पुराने इंक्यूबेटर टाइप के लग रहे हैं ये, कुछ दो तीन इंक्यूबेटर मिक्स करके एक बंडल बना दिया, थोड़ा सा इस टाइप का लग रहा है मुझे, जैसे यिंग यांग को मिला दिया और उसके अलावा भी एक दो ऐसे ही जापनीज या चाइनीज थीम पे इंक्यूबेटर आया, तो उन सबको मिला के एक बंडल बना दिया। बाकी ओवरऑल लुक फीमेल मेल दोनों का बहुत अच्छा लग रहा है, जो कलर कॉम्बिनेशन रेड एंड वाइट बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है, और दोनों बंडल मुझे अच्छे लग रहे हैं। और यार इनको देख के लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होने वाले बंडल गेम के अंदर, मतलब सस्ते में नहीं मिलने वाले, आपको डेफिनेटली बहुत सारे डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। डायमंड रॉयल में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं डेफिनेटली कि निकाल लूँगा, कुछ भी करके निकाल लूँगा, बट मुझे पता है कि यार ये डायमंड रॉयल में नहीं आएंगे। एंड गाइस एक दो बंडल और बचे हैं, बस आपको सिंपल सिंपल दिखा देता हूँ। तो गाइस एक ही सिंपल बंडल दिखा जा रहा है, और आई डोंट नो ये किस चीज़ में देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी स्पेशल इवेंट का बंडल हो, डेडिकेटेड किसी स्पेशल इवेंट के लिए बनाया गया। सेम गाइस इसी की थीम पे एक ग्रेनेड की स्किन भी होगी, और वो भी हमें शायद साथ में दी जाए, हो सकता है टॉप अप रिवॉर्ड में अवेलेबल करा दी जाए। बाकी यार बंडल बहुत ही कूल लग रहा है, इसी टाइप का एक स्केलेटन बंडल शायद पहले आया था, वो भी बहुत ओपी था और बहुत रेयर बंडल है अभी के टाइम पे वो बंडल। और ये बंडल भी मुझे बहुत कूल लग रहा है यार, अगर ये बंडल किसी ऐसे इवेंट में आया कि उम्मीद हो कि जल्दी निकल जाएगा, तो यार मैं ट्राई जरूर करूँगा इसको निकालने का, बट यार ऐसे बंडल कभी जल्दी निकलते नहीं है, गारंटी से बोल रहा हूँ, कभी जल्दी नहीं निकलते हैं।
सो गाइस अब हम आ गए हमारे इंक्यूबेटर के बंडल्स के ऊपर और कुछ ग्लोबल की स्किन्स भी दिखाने वाला हूँ। बट गाइस उससे पहले आप लोगों को मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा यार, वीडियो हाथ तक देखी है तो डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हो, अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा उसको भी ऑलवेज सेट कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लीक्स अपडेट्स या इवेंट की वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो नहीं मिस कर पाओगे। तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे इंक्यूबेटर के बंडल जो कि कैसे होने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हो ये होने वाले हैं हमारे इंक्यूबेटर के बंडल और फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे पता है कि सब लोगों को पसंद नहीं आएंगे, बट गाइस बहुत ही अच्छे बंडल लगे मुझे पर्सनली। आई डोंट नो मुझे क्यों अच्छे लगे, पर मुझे अच्छे लगे। आप लोगों को अगर बुरे लगे या आप लोगों को अच्छे लगे आपका ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना, पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगे क्योंकि अगर ना कुछ वियर्ड या कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है तो आई थिंक सो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए थोड़ा सा ही सही पर करना चाहिए ना। और गाइस ये यूनिसेक्स बंडल हो गया, मतलब आप मेल करेक्टर पहनो या फिर फीमेल करेक्टर पे पहनो दोनों पे इक्विप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी हमारा पिछला इंक्यूबेटर गया, मतलब अब गरीना ना मेहनत बचा रहा है अपनी। अब फीमेल बंडल वो अलग से डिज़ाइन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही बंडल दे रहा है जो यार लड़का हो या लड़की दोनों करेक्टर पर लग जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी सच्ची बोलूँ तो, बट बाकी यार ओवरऑल बंडल्स मुझे अच्छे लगे। ग्रीन वाला टॉप होगा और अपना टाइगर वाला सेकंड टॉप होगा और फिर ज़ेब्रा वाला थर्ड नंबर का होगा और आखिरी में भालू वाला या पता नहीं क्या कौन सा एनिमल है ये वो थर्ड नंबर का होगा, फोर्थ नंबर का होगा सॉरी। तो सेम थीम पे गाइस हमें देखने को मिलेगा इसका नेक्स्ट इंक्यूबेटर जो कि होने वाला है गन वाला, और गन में आने वाली है गाइस यूएमपी की गन स्किन्स। एट्रीब्यूट्स अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुए हैं बट गाइस सेम थीम पर होंगे, ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप के ही होंगे और देख सकते हो आप लोग सेम गाइस आपको दिख रहा है। और इसमें भी गाइस हमारी ग्रीन वाली टॉप वाली होगी, हमारे टाइगर वाली सेकंड नंबर की होगी, ज़ेब्रा वाली थर्ड नंबर की होगी और ये भालू वाली है जो भी है ये फोर्थ और लास्ट बोलो तो लास्ट नंबर की होगी। और एट्रीब्यूट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुआ बट गाइस यार लुक ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सो ना गरीना वाले सेम थीम पे इसलिए दे रहे क्योंकि वो सोचेगा कि लोग सेम थीम वाला आइटम दोनों निकाल लेंगे। आई डोंट नो ऐसा थिंकिंग है उनके कि नहीं है, बट आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं लगता कोई निकालेगा यार। पहली बात तो लोगों को पसंद आ गया कि नहीं पसंद आ गया अभी तो ये भी गारंटी नहीं है। बाकी यार ओवरऑल मुझे पसंद आया और जैसे इनके एट्रीब्यूट्स भी पता चल जाएंगे ना तो मैं आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में अपडेट कर दूंगा, तो यार मेरी वीडियोस बिल्कुल भी देखना मत भूलना। तो गाइस यही थे ऑलमोस्ट सारे बंडल्स जो गेम के अंदर जल्दी आने वाले हैं। होपफुली कि मैं कुछ मिस नहीं करा होगा यार, अगर कुछ मिस करा होगा तो डोंट वरी मैं फ्यूचर अपडेट्स में वो भी आपको बता दूंगा। तो यार वीडियो कहीं आप करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट बंडल क्या था। सो गाइस बाय।